नेक्स्ट है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग व्हेन द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मैग्नेटिक, ये भी क्योंकि अब कहीं रिलेशन नहीं है तो उसी से चल रहा है, ये कॉम्प्रिहेंशन ही था मतलब 9, 10, 11 कॉम्प्रिहेंशन है, यहाँ लिख लो है ना, ये कॉम्प्रिहेंशन है 9 to 11 क्वेश्चन। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग व्हेन द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी इन द इंडक्टर इज मैक्सिमम, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग व्हेन द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी इन द इंडक्टर इज मैक्सिमम। चलिए तो ये हो गया भाई ये कि इंडक्टर रजिस्टर रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एनर्जी मतलब अगेन पावर वाली ही बात होगी। तो अब देखें भाई कि ये इसकी जो भी मान लीजिए किसी समय करंट जा रही है ई, तो ये जो भी पावर डिलीवर हो रही है इसमें प्लस इसमें हो रही है, तो ई आई इज इक्वल्स टू कितना हो गया आई इंटू इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है एल डी आई बाई डी टी, प्लस आई स्क्वेयर आर ऐसा कुछ है ना, ई आई इज इक्वल्स टू आई एल डी आई बाई डी टी प्लस आई स्क्वेयर आर। तो अब मेरे को चाहिए कि द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी, तो देखो एनर्जी तो है उसके अंदर थी कितनी हाफ एल आई स्क्वायर, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एनर्जी ये कितनी हो गई एल आई डी आई बाई डी टी है ना। अब ये मैक्स हो जाए ठीक है, तो ये मैक्सिमम करने के लिए अपने को फिर क्या करना चाहिए, डिफरेंशिएशन एक रास्ता बचा है ना, डिफरेंशिएशन में डेरिवेटिव्स की एप्लीकेशन यूज करके हम लोग बात, तो डिफरेंशिएशन से अच्छा एक चीज ये देखो कि अगर ये मैक्स चाहिए है ना, ये तो रेट हो गई, अब इसको अगर मैक्सिमाइज करना है कि डी यू बाई डी टी को अगर मैक्सिमाइज कर दूं मैं, तो व्हाट शुड बी द केस कि डी बाई डी टी ऑफ हाफ एल आई डी आई बाई डी टी ये कैसा हो जाना चाहिए जीरो हो जाना चाहिए। अब मेरे पास ये एग्जैक्ट टर्म देखो यहां नजर आ जाएगी, तो अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दूं तो वो डी बाई डी टी वाली टर्म भी बन गई ना, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं तो ई और विद रेस्पेक्ट टू करंट करेंगे सर, क्योंकि करंट की वैल्यू चाहिए मेरे को है ना, क्योंकि मेरे को करंट की वैल्यू चाहिए तो अपन कर रहे हैं करंट के साथ डिफरेंशिएशन। तो ये कितना आ जाना चाहिए सर, ये आ जाएगा E d i by dt is 1, डिफरेंशिएशन करेंगे मैक्सिमा के लिए तो ये वैल्यू आ जाएगी 0, r कांस्टेंट और ये हो गया 2i, तो ये i की जो वैल्यू आई मेरे पास कितनी आ गई E by 2r आ गई ठीक है ना, ऑप्शन में भी है B ऑप्शन है तो ऐसा है। तो ये थोड़ा सा 9, 10, 11 में हो सकता है प्रॉब्लम हुई है क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर नहीं है कि वो किससे रिलेटेड, ऐसा लग रहा है कि आइसोलेटेड है पर आइसोलेटेड नहीं है।